मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों और मेरे सभी महानुभावों और गुरुजनों को योगेश्वर कर्णाद चैनल की ओर से हार्दिक अभिनंदन है और मैं उनका साधुवाद करता हूं कि आप पुनः इस चैनल पर उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण जी के संबंध में उनके वचनों को सादर सुनने के लिए पधारे हैं। आपको साधुवाद है। आइए, आज भगवान श्री कृष्ण जी ने जो गीता के सप्तम अध्याय के अंतर्गत तीसरे श्लोक में उन्होंने अर्जुन को बात जो बताई है उन्हीं को मैं वर्णन करने जा रहा हूं। आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे और अपने इस मानव जीवन को, इस पुण्य शरीर को प्राप्त करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह मानव शरीर यूं ही नहीं मिला आपको। बहुत जन्मों के जब आपके पुण्य संचित होते हैं, उन संचित पुण्यों के फल के रूप में यह मानव जीवन हमें भगवान की कृपा से मिली है। अतः इस मानव जीवन को पाकर इस समुद्र रूपी जो संसार है, भव रूपी जो यह सागर है, जिसमें जन्म और मृत्यु के रूप से जो गोता लगाए रहते हैं जीव, इसको पार करना है और उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वह मार्ग स्वयं श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं जीवन और मृत्यु के इस चक्र से मुक्त हो जाऊं, मुझे जन्म और मृत्यु का कष्ट समाप्त हो जाए, तो आइए भगवान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले। वह मार्ग कैसा है? बहुत सहज है। आज वह मार्ग इसलिए सहज है कि उस ओर हमारा जो प्रयास है वो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है वो भी हम आज बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् ये तति सिद्धये यतामपि सिद्धानां कश्चिन् मम वेत्ति तत्ततः। ये अर्जुन सुनो, हजारों मनुष्य में कोई एक मनुष्य मुझे जानने के लिए, मुझे पाने के लिए, मुझसे बात करने के लिए यत्न करता है, और ऐसे हजारों लोगों में यत्न करने वालों में कोई कोई व्यक्ति वह योगी, कोई कोई वह योगी भी बिरला ही मुझको तत्व से जान जाता है, यानी वह मुझको साक्षात कर लेता है। अब कहिएगा ऐसा क्यों? तो इसका कारण भगवान स्वयं बताते हैं। क्या है वो? उसका कारण है कि बस तीसरे इस श्लोक के बाद चौथे श्लोक में वह इसका कारण बता रहे हैं। सुनिए, भूमि आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ जो हुए, यह आठ भेदों वाली जो
यह प्रकृति जो है वह माया है, भगवान की यह अस्तधा मूल प्रकृति है। तो यह मूल प्रकृति को आप जानते हैं, नहीं समझते हैं ऐसी बात नहीं है, आप अपने मन को भी जानते हैं। मन को किसी वस्तु में लगाते हैं, किसी में नहीं लगाते हैं, और वह संकल्प विकल्प का निर्णय आप करने में सक्षम ही हैं, अतः वह बुद्धि हुआ। और मैंपना जो है, जिसमें नाम है, गोत्र है, स्थान है, पुरुष है, नारी है, ये सभी बातों जो है ये आपका अहंकार है, आप ही का नहीं है, ये आपके अंतर शरीर मन में चेतन तत्व में यह तीन जो है मन बुद्धि अहंकार, ये चेतन में जड़ के स्वरूप ही आरोपित किए हुए हैं। जैसे भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पांच जो है वो भी सभी वस्तुएं अपने अपने अहंकार के कारण अपना स्वरूप धारण किए हुए है, समझ लीजिए। अब जानिए कि फिर इसका कौन सा उपाय होगा। जब यह ऐसा है तो इससे उबरने का उपाय क्या होगा? तो भगवान यही गीता में कहते हैं, 15वें अध्याय में, ममैवांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, यह सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ने क्या किया, अविद्या के वशीभूत होकर अपनी उपाधि से तदात्म स्थापित कर लिया। इसीलिए अनात्म पदार्थों में स्वरूप अध्यास के कारण ही उपाधियों से उनके गुणों धर्म को अपना मानता हुआ वह जीव भाव को प्राप्त हो गया। मम एव अंशो, आत्मा ईश्वर का ही अंश है, वो कहते हैं यह जीव जो है सो मेरा ही अंश है, लेकिन चूंकि वह जीव जो है सो अदात्म से जुड़कर स्वयं जड़ अपने को मान बैठा है, इसीलिए वह बंधन में है। ऐसी स्थिति में आत्मा के जो कलमक का अपसारण करने के लिए जो अपेक्षित संस्कारों की नितांत आवश्यकता है, जिसे दूसरा कोई नहीं कर सकता, स्वयं ही आपको करना है। और इसी बात को भगवान गीता ने में 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहे हैं, उद्धरे आत्मान आत्मानम न आत्मानम अवसादे, अरे तुम खुद ही अपने आत्मा को खुद उद्धार करो, अपने ही द्वारा तुम कर सकते हो अपने आत्मा का उद्धार। अर्थात यह प्रकृति जो है अस्तधा प्रकृति, इससे तुम अटैचमेंट को हटाओ और इस देह बुद्धि को छोड़ करके आत्म बुद्धि में चले जाओ। तो यह तो बहुत कठिन विषय है, तो यह कैसे होगा? तो आप आइए और एक भगवान की यह अष्ट धा जो मूल प्रकृति है वह क्या है सुनिए। यही प्रकृति जो है हमारे बंधन का कारण है, और इसी बंधन से निकलने के लिए भगवान को एक बार उनके एक परम भक्त ने उनसे कहा कि हे भगवान, आप अपने उस
प्रलय लीला को दिखाइए, आप अपनी माया को दिखाइए कि आपकी माया कैसी है। तो भारतीय धर्म ग्रंथ के अनुसार मनु जी ने यह प्रलय को देखा था और वे 11 ऋषियों समेत एक मत्स्य अवतार में मत्स्य के सींग में नाव बांधकर हिमालय के एक उतंग शिखर पर शरण ली थी। तो इस प्रकार एक बार उन्हीं श्री कृष्ण जी के उपदेशों और प्रेम में निमग्न रहने वाले मृकंडु मुनि के पुत्र मार्कंडेय जी ने उनसे कहा कि हे भगवान, मैं प्रलय को देखना चाहता हूं इन आंखों के समक्ष में। तो भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो हिमालय के उत्तर में पुष्पभद्रा नदी के किनारे में रहते थे और ये कथा भागवत के द्वादश स्कंध के 8वें और 9वें अध्याय के अनुसार सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मार्कंडेय जी ने महाप्रलय में बट के पत्ते पर भगवान श्री कृष्ण जी को दर्शन किए थे, तो उनका दर्शन तो इतने कुछ ही समय पूर्व कैसे उन्हें हो गए? उनके जन्म के बाद न तो कोई प्रलय हुआ है, न कोई सृष्टि ही हुई है, सब कुछ तो यथावत है। तो सूत जी ने बताया कि मार्कंडेय जी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर नर नारायण ने उन्हें दर्शन दिए और मार्कंडेय जी ने कहा कि मैं आपकी वह माया देखना चाहता हूं जिससे प्रेरित होकर के यह आत्मा अनंत योनियों में भ्रमण करता है। भगवान ने स्वीकार कर लिया और एक दिन ऐसी घटना हुई कि जब मुनि अपने आश्रम में भगवान के चिंतन में तन्मय थे, तब उन्होंने स्वयं देखा कि चारों ओर से समुद्र उमड़ उमड़ कर उनके आश्रम के ऊपर आ रहे हैं। उस पानी में मगर छलांग लगा रहे हैं और मार्कंडेय जी उस मगर के छलांग से बचने के लिए उनकी चपेट में ना आए इसके लिए वे इधर उधर दौड़ रहे थे। अब वो अपने बचने के लिए भाग रहे थे, इधर देखते हैं कि आकाश, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, स्वर्ग, ज्योतिर्मंडल, ये सभी नक्षत्र, ग्रह सभी इस समुद्र में डूब रहे हैं। इतने मार्कंडेय जी को एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा और उसके पत्ते पर एक शिशु दिखाई दिया। उस शिशु के पास जाते ही उनके श्वास के साथ मार्कंडेय जी भी उस शिशु के उदर में चले गए और वे अपना आश्रम सूर्य मंडल से सृष्टि को जीवित पाया और पुनः श्वास के साथ उस शिशु के उदर में से वे बाहर आ गए। नेत्र खुलने पर मार्कंडेय जी देखते हैं कि कुछ समय पहले मैं जहां था वहीं उसी अवस्था में उसी आश्रम में अपने ही आश्रम पर मैं विराजमान हूं। तो इससे स्पष्ट होता है कि मार्कंडेय जी की करोड़ों वर्ष के भजन और तपस्या के पश्चात उनके पुण्य से भगवान श्री कृष्ण जी ने उन मुनि को ईश्वरीय शक्ति और अपनी माया को उन्हें प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करा दिया। तो यह जो प्रलय है, यह प्रलय एक अर्वचनीय अवस्था है। जब ये सभी वस्तुएं जो अष्टधा हैं, वह जब ज्ञान रूपी जो समुद्र की लहर के तरह वह ज्ञान रूपी जब प्रकाश फैलता है, तो वो उस प्रभु के उस ज्ञान से वह उसमें विलीन हो जाता है। यानी उसकी सत्ता, अपराशक्ता जो है, अविद्या जो है, वह मिट जाती है। वही अविद्या का जो
मिटना है, उसकी सत्ता को नष्ट होना है, उसके स्वरूप का बदल जाना है, यही प्रलय है। लेकिन वास्तव में यह जो आप देख रहे हैं यह उसी तरह है जैसे एक केले के थंब में छिलका को हटाते जाइए, फिर उसके बाद दूसरा छिलका आएगा, तीसरा छिलका आएगा, उसमें कभी आपको ठोस सार वस्तु दिखाई नहीं देगी। उसी तरह यह संसार में जो कुछ भी आप देखते हैं वो संकल्प से है, और यह संकल्प जो है वह संकल्प ही संसार है। जब आपका चित्त भगवान में बिल्कुल लय हो जाता है तो यह संसार आपके लिए नष्ट हो जाता है, आप उस परम धाम अनंत और अखंड प्रकाशमय ज्योतिर्मय और आनंदमय स्थिति में आप आते हैं, जो न वहाँ सूर्य है, न पृथ्वी है, न चंद्रमा है, न दिन है, न रात है, वही परमात्मा का वह परमानंद लोक है। अतः आप भगवान के बताए हुए, श्री कृष्ण जी के बताए हुए मार्ग से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। मैं पुनः इसी प्रकार के भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कहे हुए गीता के